एक लड़की, एक बेटी, एक डॉक्टर, और आगे चलकर ना जाने कौन कौन से रिश्तों में वो बनती, लेकिन एक रात और सब कुछ खत्म। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ानिया। हम बात कर रहे हैं मधुमिता देवनाथ की। 36 घंटे की ड्यूटी, रिवॉर्ड में क्या मिला? रेप, टॉर्चर, मर्डर। कोलकाता, जहां देवी की आराधना होती है, देवी को पूजा जाता है, और वहीं महिला जो देवी को स्वरूप माना जाता है, उसे नोच लिया गया। अब इसमें मुझे कोई क्लियरिटी देगा कि उस डॉक्टर की गलती क्या थी, इतनी कि वो थक गई और सो गई, बस यही? या ये सो कॉल्ड सोसाइटी अब किस चीज पर ब्लेम करेगी? शॉर्ट ड्रेसेस पर, रिवीलिंग क्लॉथ्स पर, या बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, या रात में थी, क्लब पार्टीज कर रही थी, किस चीज पर ब्लेम करेगी? अच्छा सॉरी, गलती तो लड़की की होती है हमेशा, क्योंकि वो डॉक्टर थी, और लड़कियां सिर्फ घर में चूना चौका करती हुई अच्छी लगती हैं। सफेद कोट पहनकर मर्दों से कंधा मिलाकर थोड़ी ना बनी है लड़कियां। मधुमिता देवनाथ एक रैंकिंग लड़की थी, जिसके सपने, उसकी उम्मीद, उसकी सोच शायद देश को एक अच्छा डॉक्टर दे सकती थी, लेकिन दरिंदगी इतनी हदें पार कर गई कि उसके माँ बाप भी उसको देखने से कतरा रहे थे। उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था, क्योंकि उसके चश्मे को उसकी आंखों में ही तोड़ दिया गया। उसकी गर्दन दबा दी गई, उसकी जांघों में गहरे निशान बना दिए गए, उसके पैरों को 180 डिग्री तक मोड़ दिया गया। दुख हुआ ना? डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी ने दिल दहलाने वाली एक बात बताई। उन्होंने बताया कि मधुमिता के प्राइवेट पार्ट्स में 151 ग्राम सिमन मिला है। जी हाँ, जिससे ये साफ होता है कि ये सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट मधुमिता साथ में वहां ट्रेनिंग भी करती थी। 36 घंटों की ड्यूटी के बाद जब कॉलेज के सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई, तो बस इस केस को अभया के नाम से लोग जान रहे हैं, कुछ निर्भया के नाम से भी जान रहे हैं। 2012 में भी इतनी ही दरिंदगी दिखाई गई, जिस रोड में उसको मार दिया गया, वही रोड उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया गया। जी हाँ, निर्भया केस की बात कर रही हूं मैं। निर्भया केस के 6 आरोपी थे, जिसमें से 4 को फांसी दी गई, उसमें से एक इंटरव्यू जो बीबीसी ने लिया था, और वो तो सबको पता है, जिसमें आरोपी जो मुकेश था, जो बस ड्राइवर था, उसने बताया अपने इंटरव्यू में कि बलात्कार के लिए पुरुषों से ज्यादा महिलाएं जिम्मेदार होती हैं। शालीन महिलाओं को रात में 9 बजे के बाहर घर से नहीं निकलना चाहिए। दुष्कर्म के लिए लड़की हमेशा लड़कों से ज्यादा जिम्मेदार होती है। लड़का और लड़की बराबर नहीं होते। लड़की को घर का काम करना चाहिए, ना कि रात को डिस्को या बार में जाकर गलत काम करना चाहिए, और ना ही छोटे कपड़े पहनने चाहिए। दुष्कर्म के वक्त यानी निर्भया को विरोध नहीं करना चाहिए था, उसे चुपचाप दुष्कर्म होने देना चाहिए था। अगर वो ऐसा ना करती तो हम उसे बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ देते। बस खून खौला ना। ये सिर्फ इसकी सोच नहीं है, इवन हमारे पॉलिटिशियंस भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं, जिसमें से हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस के कुछ बयान, और शायद इस बार भी उनका यही बयान होगा। इनमें से एक पॉलिटिशियन है मुलायम सिंह यादव, जिनका कहना था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, अब फांसी थोड़ी ना दे दीजिएगा। या एक और बयान की बात करें, जिसमें से थे एक आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, ने भी यही कहा था कि रेप इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं। मतलब इंडिया जो हमारा कल्चर है, हम इंडियन कल्चर में रहेंगे तो रेप नहीं होंगे, और वेस्टर्न कल्चर जैसे ही अपनाएंगे तो लड़कियां खुद बोलती हैं कि भाई आओ और हमें यूज करो, ऐसा ही कुछ है ना। भाई ममता बनर्जी का रिसेंटली मैं कहना है कि वो तो चली गई, अब वो वापस नहीं आएगी। बाकी प्रोटेस्ट करना हो तो आप करो। पीड़िता के परिवार को सरकार 10 लाख रुपए कंपनसेशन दे रही है, लेकिन ये भूल गए कि 10 लाख से उनकी बेटी तो वापस नहीं आएगी, वो इज्जत वापस आ जाएगी जो तार तार कर दी गई, वो बेटी का खालीपन वापस आ जाएगा 10 लाख से। लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि औरत औरत की दुश्मन है, कुछ तो सच्चाई रही होगी, कुछ तो उन्होंने भी देखा होगा। एक तो ये समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट या जो वहां की सरकार है, इनको बचाने की इतनी कोशिश क्यों करती है, कौन से इनके चाचे मामे फूफे लग रहे हैं। बड़े बूढ़े कहकर गए हैं कि खुद के मरे स्वर्ग नहीं मिलता, वही इन पॉलिटिशियंस पर भी है कि जब तक खुद पे ना बीते तब तक कैसे पता चलेगा कि दुख, तकलीफ, पीड़ा होती क्या है, ये तो बस देना जानते हैं। मधुमिता के आरोपी संजय रॉय को पकड़ा, जिसका हेडफोन वारदात की जगह गिर गया था। दरअसल जब उस हॉल की छानबीन की गई तो एक हेडफोन मिला, जिसकी वजह से एक आरोपी पकड़ा गया, संजय रॉय।
उससे बातचीत की, उसने बताया कि इसमें सामने पूरी वारदात के सामने आया कि वो अपने दोस्तों के साथ रेड लाइट एरिया काली घाट और सेवा बाजार गया था। इसके बाद दोनों आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती जो नागरिक स्वयंसेवक के परिचित एक मरीज को देखने गए। आरोपी ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद वह फिर से रेड लाइट एरिया सेवा बाजार गया। इसके बाद उसने आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जूनियर डॉक्टर यानी मधुमिता के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इस केस को शुरू होते ही दबाने की कोशिश की जा रही थी। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने सुइसाइड क्लियर कर दिया। यहां तक कि मधुमिता के मां बाप को 3 घंटे तक उसकी डेड बॉडी तक देखने नहीं दी। डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको चुप कराने के लिए गुंडे भेजे गए, धमकाया गया उन्हें। अब केस सीबीआई के हाथों में है। अब देखना यह है कि सीबीआई क्या करती है। ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ आनी और जुड़े रहिए इन्हीं अपडेट के साथ। बाकी हम आपको आगे का बताते रहेंगे।